हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ऊपर से लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर P150 की EMI डिटेल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप इस बाइक को कितना कम से कम डाउन पेमेंट देकर इस बाइक को ले सकते हैं 2023 में, इन सभी के बारे में आज की हम बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस बाइक को 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आप इसे 4 साल की EMI पर लेना चाहते हैं, तो आप कितना कम से कम डाउन पेमेंट देकर इसे ले सकते हैं, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बात तो सही है। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हम शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों मेरी पुरानी वाली वीडियो पर जो TVS iQube की मैंने EMI डिटेल्स की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो पर आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर आप जो है अच्छा रिस्पॉन्स देना, मैं होप करता हूँ आप सभी लोग जो अच्छा रिस्पॉन्स ही देंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो ये बाइक आपको 2023 में ऑन रोड पड़ेगी प्रयागराज में 1,43,000 से लेकर 1,45,000 तक। वहीं फ्रेंड्स, आप इस बाइक को जो है मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं 28,555 रुपये। अगर दोस्तों आप इसके लिए डाउन पेमेंट करते हैं 28,555 रुपये, तो आपका लोन अमाउंट रहता है 1,14,165 रुपये का। अगर आप इसे 12 मंथ के लिए EMI पर लेते हैं, तो आपकी मंथली EMI आती है 10,560 रुपये पर मंथ की। और फ्रेंड्स, EMI पे करने के बाद ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी 1,56,000 से लेकर 1,58,000 तक। इसमें आपको इंटरेस्ट पड़ता है 10 से 11% का, इसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। वही फ्रेंड्स, तो अगर इस बाइक को 2 साल की EMI पर लेना चाहते हैं, तो आपका डाउन पेमेंट सेम रहेगा 28,555 रुपये, आपका लोन अमाउंट भी सेम रहेगा 1,14,105 रुपये का, और इसमें आपको 10 से 11% का इंटरेस्ट लगेगा ही। और अगर आप इसे 24 मंथ के लिए EMI पर लेंगे, तो आपकी मंथली EMI आती है 5,803 रुपये पर मंथ की। EMI पे करने के बाद 2 साल बाद ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी 1,68,000 से लेकर 1,70,000 तक। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस बाइक को जो है 3 साल के लिए EMI पर लेते हैं, तो आपका डाउन पेमेंट सेम रहेगा, आपका लोन अमाउंट भी सेम रहेगा। और अगर आप इसे 36 मंथ के लिए EMI पर लेंगे, तो आपकी मंथली EMI आती है 4,218 रुपये पर मंथ की। EMI पे करने के बाद 3 साल बाद ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी 1,81,000 से लेकर 1,83,000 तक। तो दोस्तों, अगर आप इस बाइक को जो है 4 साल के EMI पर लेना चाहते हैं, तो आपका डाउन पेमेंट सेम रहेगा 28,555 रुपये, आपका लोन अमाउंट भी सेम रहेगा 1,14,105 रुपये। फ्रेंड्स, अगर आप इस बाइक को 4 साल के EMI पर लेते हैं, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है। आप जितना ज़्यादा टाइम लेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप कोशिश करें कि आप कम से कम टाइम का जो है इंटरेस्ट लें, और इससे आपको दोस्तों जो है कम ब्याज देना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे 4 साल की EMI पर लेंगे, तो आपका डाउन पेमेंट लोन अमाउंट सेम रहेगा, आपकी मंथली EMI आएगी 3,425 रुपये पर मंथ की। और 4 साल बाद ये बाइक आपको टोटल पड़ेगी EMI पे करने के बाद 1,93,000 से लेकर 1,95,000 तक। तो ये बाइक आपको लगभग जो है 2,00,000 रुपये की पड़ेगी, अगर आप इसे 4 साल की EMI पर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बाइक की 1 साल से लेकर 4 साल तक EMI डील्स की वीडियो। तो होप करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी नई नई वीडियो देखनी है, तो आप बाइक का इसके बाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी रिव्यू वीडियो नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से इसकी जो है रिव्यू वीडियो भी देख सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और बताना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए बना दूंगा दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो वीडियो को एंड तक देखना, धन्यवाद। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।